खबर आजमगढ़ से, जहां पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता अभियान के तहत मिर्जा हसानुल्लाह बेग महिला महाविद्यालय अंजान शहीद में एक वृहद महिला जागरूकता एवं विधिक परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक परिषद एवं नारी शक्ति संस्था के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्र द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित न्यायाधीश महोदय ने छात्राओं को विभिन्न सरकारी हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में चल रही कई योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस अवसर पर महिलाओं और लड़कियों को अपनी आवाज बुलंद करने की प्रेरणा दी, जिससे वे समाज में अपने हक और सम्मान की रक्षा कर सकें। विद्यालय प्रबंधक मिर्जा आरिफ विवेक ने अपने स्वागत भाषण में वर्तमान समय में महिला सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। नारी शक्ति संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर नेहा दुबे और सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए अपने विचार व्यक्त किए और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में के संचालन का जिम्मा वॉइस ऑफ आजमगढ़ के केंद्र प्रबंधक सीमा श्रीवास्तव ने बखूबी संभाला। इस अवसर पर मिर्जा आरफात वेक महिला कल्याण विभाग की, श्रीमती मौली नारी शक्ति संस्था की संरक्षक अर्चना वत्सल कोषाध्यक्ष, रश्मि डालमिया महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर जाहिद अनवर, मौलाना हजार इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद सायदीन और किदई बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रियंका सिंह सहित तीनों विद्यालयों की शिक्षिकाएं भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम में डॉक्टर डीपी तिवारी और विधिक काउंसलर श्री आशीष ने भी अपने विचार व्यक्त किए, जिससे उपस्थित सभी को महिलाओं के अधिकार और उनके संरक्षण के बारे में गहन जानकारी मिली। महिला सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान को लेकर चलाया गया यह अभियान आजमगढ़ में नारी जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। ये कार्यक्रम जो है, मैं सचिव हूँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ का, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ तथा नारी शक्ति संस्थान आजमगढ़ के कोलाबोरेशन में इस जनपद के नारियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में जो कानूनी उपचार हैं, जो उसी के संबंध में जागरूक करने के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज ये शुरुआत हुई है और इस जनपद के भिन्न भिन्न विद्यालयों में, विशेष रूप से जो गर्ल्स इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, पीजी कॉलेज है या अन्य संस्थानों में जा करके हम लोग इस तरह का शिविर आयोजित करके जागरूक करेंगे। ये कार्यक्रम चलता रहेगा, कई कार्यक्रम होने हैं जो आज शुरुआत हो रहा है। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य इधर देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर के देश की बेटियों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ रही है। अक्सर हम देख रहे हैं कि रेप और गैंगरेप के केसेस हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है और न्याय मिलने में बहुत ज्यादा विलम्ब हो जा रहा है, जिससे अपराधियों के हौसले और या उस तरह की मानसिकता के लोगों के हौसले और बढ़ जा रहे हैं। तो इस पर आप लोगों की तरफ से क्या पहल की जा रही है और सरकार किस तरह के कदम उठाने जा रही है भविष्य में, ताकि इस तरह की चीजों पे रोक लगाई जा सके जो महिलाओं के साथ अपराध? इस संबंध में महिलाओं के अपराध के लिए विशेष और बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए हैं। विशेष रूप से निर्भया गैंग रेप जो हुआ था, कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से बलात्कार की सजा बढ़ा दी गई। उसके अलावा पॉक्सो अधिनियम लागू किया गया है, जो 18 साल से कम उम्र की जो बालिकाएं हैं उनके साथ जो अपराध होता है, लैंगिक अपराध, उसमें बहुत कठोर बनाया गया है। स्पीडी ट्रायल किया जा रहा है, फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करके उसका शीघ्र निस्तारण के लिए प्रयास किया जा रहा है। सर, आज यहाँ पे बच्चों को किस तरह से आप लोग एजुकेट कर रहे हैं, खास करके सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा के लिए को लेकर के सरकार की तरफ से भी और बहुत कई हमारे ही विभाग में, जैसे हमारा विभाग है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उसके नालसा, सालसा, DLSA ये काम करता है, तो हमारे तरफ से एक नालसा हेल्पलाइन बनाया गया है, उस पर आप शिकायत कर सकता है। कोई अगर कोई किसी तरह की समस्या हो, लीगल कानूनी समस्या, तो हमसे सहायता ले सकते हैं, हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा और तमाम राज्य सरकार के द्वारा भी हेल्पलाइन बनाया गया, जैसे 112 है महिलाओं के लिए, 1090 है, अन्य भी हेल्पलाइन बने हुए हैं। इसके अलावा पिंक बट महिलाओं के पिंक बूथ बनाए गए हैं,
और भी अनेक काम हो रहे हैं, क्योंकि खास करके कार्यक्रम अभी आजमगढ़ में आयोजित हो रहा है, तो जिले की तमाम महिलाओं बच्चियों को आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं ताकि अगर इस तरह की घटनाएं हो तो ये बच्चियां सचेत हों, कम से कम उन्हें ये भरोसा हो कि हमारे साथ हमें न्याय मिलेगा या हमारे साथ लोग खड़े हैं। वो अगर उनके साथ कोई इस तरह की छेड़खानी हो रही है तो वो हेल्पलाइन का सहारा ले सकती हैं, जो भी हेल्पलाइन बने हुए हैं उस पर कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। सर एक शिकायत आ रही है कि हेल्पलाइन जो नंबर है आधे आधे घंटे तक रिस्पॉन्स उस पर नहीं मिलता, और अगर लगता भी है तो कॉल ट्रांसफर करके इधर उधर उनको ये तो इसको दूर करने का प्रयास सब ये तो सरकारी लेवल पर होगा, सरकार का उस पर काम करते हैं। आप लोग इस पर पहल करेंगे? हम लोग अपने तरफ से, मेरा काम है जागरूक करना, पॉलिसी सरकार बनाती है, कैसे पहुँचाया जा सकता है समस्या, अगर कोई हो तो हमारे नालसा हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं, जल्दी त्वरित कार्यवाही हो, FIR दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन जल्दी करा सकते हैं। समय और परिस्थिति को देखते हुए ये संस्था का एक प्रयास है कि सभी विद्यालयों में, स्कूल में, कॉलेजेस में जा करके बच्चियों को अपनी सुरक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति, जो कि हमारे संस्था का मोटो है महिला स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा, विगत 12 वर्षों से संस्था हमारी ये कार्य करती, इसी पे कार्य करती है, और कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है कि जिसको देखते हुए हम लोग कुछ कानूनी और कुछ हमारे ऐसे पदाधिकारी जिनको जिनके माध्यम से हम इस अभियान को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे आज के न्यायाधीश श्री धनंजय मिश्रा सर हैं और मैं आपके माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारम्भ कर रही हूँ। इसके अभियान के अंतर्गत बच्चियों को हर जगह जा करके ये बच्चियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, और सरकार तो बहुत सारे कार्य कर रही है बच्चियों को सेफ करने के लिए, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये हैं, लेकिन फिर भी अपराध रुक नहीं रहे हैं, तो हम लोग बच्चियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मोरल सपोर्ट देने के लिए और कानूनी सलाह देने के लिए इस तरह का अभियान चला रहे हैं, जो आज पहला दिन था हमारा, आज अनजान शहीद अमर शहीद इंटर कॉलेज।